नमस्कार, आप देख रहे हैं आदि टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में चल रही जुबानी जंग में एक नया मुद्दा छा गया है और वो है पूर्व कमलनाथ को उद्योगपति और सीएम शिवराज सिंह को भूखा नंगा बता देना। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के इस बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तगड़ा पलटवार किया है। गुना के बामोरी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, हां हम नंगे भूखे हैं, इसलिए गरीबों का कष्ट जानते हैं, उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शिवराज ने कहा, जिन्होंने कभी गरीबों को नहीं देखा, गरीबी को नहीं देखा, भूख धूल बीमारी कीचड़ नहीं देखा, वो गरीबों का दर्द क्या जानेंगे। सीएम ने गरीबों के लिए शुरू की गई अपनी तमाम योजनाएं गिनाते हुए कहा कि तुम्हारी अमीरी तुम्हें मुबारक। कमलनाथ, ए बंगले वालों, हम नंगे भूखों पर उंगली मत उठाओ, हमें नंगे ही रहने दो, हमें भूखे ही रहने दो, ताकि जिंदगी भर गरीबों की सेवा करते रहें। कांग्रेस चले, कमलनाथ तो उद्योगपति हैं हिंदुस्तान के नंबर दो के, और शिवराज सिंह तो नंगे भूखे हैं। कहा भी हम नंगे भूखे हैं, हम नंगे भूखे भले, अरे हम नंगे भूखे हैं इसलिए अपने गरीबों की सेवा में लगे रहते हैं, दिनों रात उनका दर्द जानते हैं, उनकी तकलीफ जानते हैं। तुमने कभी गरीबों को देखा है? तुमने कभी भूख देखी है? तुमने कभी गांव देखे हैं? तुमने कभी गांव की गलियां देखी है? तुमने खेत देखे हैं? खेत की पंडंडियां देखी है? कीचड़ देखी है? धूल देखी है? बीमारी देखी है? तुम क्या गरीब का दर्द डालो, हमें नंगे भूखे ही रहने दो। अरे हम नंगे भूखे इसके शहरी अभियान के खाते में 1000 रुपये महीने भर जाते हैं। संबल योजना मैंने बस और तय किया कि गरीब बहन अगर बेटे बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12000 रुपया बहना के खाते में डालेंगे। ए उद्योगपति, तूने तो मेरे बच्चों की फीस छीन ली, तूने मेरी बहनों के पैसा छीन लिए, तूने मेरे मोटे बहनों के मोटे लंगर छीन लिए। हम तो नंगे भूखे हैं, ये बनने वाले नंगे भूखे पिछड़े हैं हम, इन पर उंगली मत उठाओ, हमें नंगे ही रहने दो, हमें भूखे ही रहने दो, ताकि जिंदगी भर अपनी जनता की सेवा करते।